हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो इस साल गोवा जाने का प्लान बना रहे हैं। गोवा इंडिया का सबसे छोटा स्टेट है लेकिन सबसे ज्यादा फेमस है। यहाँ पे इंडियन टूरिस्ट के साथ साथ बहुत सारे इंटरनेशनल टूरिस्ट भी आते हैं। तो अगर आपको बीचेस पसंद है या क्लब में पार्टी करना पसंद है या फिर आप वाटर में स्पोर्ट्स एक्टिविटी करना चाहते हो तो गोवा जो है वो आपके लिए बेस्ट प्लेस होने वाली है। तो आज की वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आप लोग गोवा का ट्रिप प्लान कर सकते हो, कौन कौन सी प्लेसेस हैं जो आप गोवा में एक्सप्लोर कर सकते हो, कौन कौन सी यहाँ पर आप वाटर एक्टिविटीज कर सकते हो। तो गाइस पूरी वीडियो डिटेल में होने वाली है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइज जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गोवा जो है वो साउथ इंडिया में आता है। तो अगर आप लोग नॉर्थ इंडिया से गोवा आने का प्लान बना रहे हो या फिर आप लोग ईस्ट इंडिया से आ रहे हो या फिर इधर आप गुजरात या राजस्थान से आने का प्लान बना रहे हो तो आप लोग बाय एयर इजिली गोवा पहुंच सकते हो। गोवा का जो एयरपोर्ट है वो एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो अगर आप बाय फ्लाइट प्लान कर रहे हो तो आप लोग इजिली जो है गोवा पहुंच सकते हो। गोवा जो है वो बाय ट्रेन भी जो है वो वेल कनेक्टेड है। और गोवा का जो सबसे जो बड़ा रेलवे स्टेशन है वो मडगांव रेलवे स्टेशन है जो कि साउथ गोवा में है। तो अगर आप लोग साउथ गोवा एक्सप्लोर करना चाहते हो तो मडगांव जो है वो सबसे बेस्ट रेलवे स्टेशन रहेगा। और मोस्टली जो ट्रेन्स हैं वो ऑल ओवर इंडिया से आपको मडगांव के लिए मिल जाएगी। लेकिन इन केस अगर आप नॉर्थ गोवा एक्सप्लोर करना चाहते हो तो अगर पॉसिबल हो तो आप लोग थिवम रेलवे स्टेशन पे भी उतर सकते हो। लेकिन इन केस अगर आपको थिवम रेलवे स्टेशन की जो ट्रेन है वो नहीं मिलती तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मडगांव भी उतर सकते हो। मडगांव से जो नॉर्थ गोवा अगर आप जाते हो तो अराउंड 60 किलोमीटर के आसपास है जो आप 1 से 1.5 घंटे में इजिली पहुंच सकते हो। तो गाइज ये हो गई गोवा जाने की बात कि आप लोग गोवा कैसे जा सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि आपको नॉर्थ गोवा एक्सप्लोर करना चाहिए या फिर आपको साउथ गोवा एक्सप्लोर करना चाहिए। अगर हम एक रफ आइडिया ले तो जो पूरा गोवा है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा। तो अगर आप लोगों के पास एक हफ्ते से ज्यादा का टाइम है तो आप नॉर्थ गोवा भी घूम सकते हो और साउथ गोवा भी घूम सकते हो। लेकिन अगर आप एक हफ्ते या फिर उससे कम टाइम के लिए गोवा आ रहे हो तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि या तो आप अच्छे से नॉर्थ गोवा घूम लो या फिर आप साउथ गोवा घूम लो, क्योंकि एक हफ्ते के अंदर दोनों घूमना पॉसिबल नहीं है। आपका जो ट्रिप है वो बहुत ज़्यादा मैसअप हो जाएगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार हमें नॉर्थ गोवा घूमना चाहिए या साउथ गोवा, तो मैं आपके इस डाउट को भी क्लियर कर देता हूँ। अगर आप लोग पहली बार गोवा आ रहे हो तो 100% आपको नॉर्थ गोवा घूमना चाहिए, क्योंकि मोस्टली जो क्राउड है और मोस्टली जो लोग हैं वो नॉर्थ गोवा ही जाते हैं, क्योंकि नॉर्थ गोवा में आपको सब कुछ मिलेगा, अच्छा क्राउड मिलेगा, बीचेस मिलेंगे, जितनी भी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी हैं आप वो सारी कर सकते हो, अच्छे अच्छे जो कैफेज हैं और जो क्लब्स हैं वो आपको नॉर्थ गोवा में मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप गोवा 2 से 3 बार आ चुके हो और आपको ऐसी जगह जाना है जो कि कम क्राउडेड है या फिर आप लोगों को कुछ नए एक्सपीरियंस करना है या आपको नए बीचेस देखने हैं तो उस केस में आप लोग फिर साउथ गोवा एक्सप्लोर कर सकते हो। तो गाइज ये वाली जो वीडियो है मैं डेडिकेटेडली उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो नॉर्थ गोवा एक्सप्लोर करना चाहते हैं। और अगर आप लोग साउथ गोवा एक्सप्लोर करना चाहते हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं जल्द ही अपने चैनल पे साउथ गोवा की वीडियो भी लेके आऊंगा। तो गाइज अब बात कर लेते हैं कि जब आप गोवा पहुंचोगे तब आपका क्या टूर प्लान होना चाहिए या फिर कैसे आप लोग गोवा को एक्सप्लोर करोगे और आपकी जो आइटनरी है वो क्या होनी चाहिए। तो अगर आप लोग बाय फ्लाइट प्लान करते हो तो आप लोग गोवा में डेवलिम एयरपोर्ट पे उतरोगे, और अगर आप लोग ट्रेन से आते हो तो आप लोग मडगांव या थिवम रेलवे स्टेशन पे उतरोगे। तो डेवलिम एयरपोर्ट से जो नॉर्थ गोवा का डिस्टेंस है वो अराउंड 35 से 40 किलोमीटर दूरी पर है। तो आपके पास दो ऑप्शन है नॉर्थ गोवा जाने के लिए, या तो आप लोग टैक्सी ले सकते हो जिसका कि किराया आपको देना पड़ेगा 1000 से 2000 के बीच में, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सी कार ले रहे हो और कितने लोग आप लोग ट्रैवल कर रहे हो। या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आप लोग स्कूटी ले सकते हो, और स्कूटी का जो रेंट रहता है वो 400, 500, 600 रुपए रहता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन से सीजन में आ रहे हो। और अगर आप लोग मडगांव रेलवे स्टेशन उतरते हो तो वहां से भी आपके पास सेम ऑप्शन है, आप टैक्सी ले सकते हो या फिर स्कूटी ले सकते हो। मेरी जो एडवाइस है वो ये रहेगी कि अगर आप बैचलर हो या फिर अगर आप कपल भी हो तो आप लोग स्कूटी ले लेना, क्योंकि स्कूटी से क्या है कि आपका काफी ज्यादा फेयर बच जाएगा और आप लोग इजिली नॉर्थ गोवा
पहुंच जाओगे। मडगांव रेलवे स्टेशन से आप जैसे ही आप लोग बाहर निकलोगे तो वहां पर आपको बहुत सारे वेंडर्स दिख जाएंगे जो स्कूटी रेंट पे देते हैं। लेकिन अगर आप एयरपोर्ट के बाहर से निकलते हो तो वहां पे काफी कम चांस हैं कि आपको कोई स्कूटी वाला मिले। तो आप लोग ऑनलाइन पहले ही स्कूटी बुक कर सकते हो और उनसे बात बात कर सकते हो सो दैट कि वो आपकी जो स्कूटी है वो एयरपोर्ट से ही अरेंज कर दें। गाइस, स्कूटी लेते वक्त आप लोग स्कूटी को एक बार चेक कर लेना और एक प्रॉपर वीडियोस बना लेना और फोटोज ले लेना सो दैट कि आपको स्क्रैचेस और डेंट्स के पैसे ना देने पड़े। और दूसरा गाइस, ब्रेक वगैरह आप लोग चेक कर लेना और एक्सेलेरेटर वगैरह चेक कर लेना, क्योंकि कई बार होता है कि आप लोग स्कूटी तो रेंट कर लेते हो और बाद में प्रॉब्लम आ जाती है और फिर वेंडर कहता है कि ये तो स्कूटी मेरी बिल्कुल ओके थी, आप ही ने इसमें कुछ किया होगा। तो इस चीज का आप लोग काफी ध्यान रखना। सो गाइस, अब बात कर लेते हैं कि आप नॉर्थ गोवा में होटल आपको कहाँ लेना चाहिए और आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। सो गाइज, नॉर्थ गोवा में काफी सारे फेमस बीचेस हैं, जैसे कि कैंडलम बीच, कैलंगुट बीच, बागा बीच, अंजुना बीच, वेगेटर बीच। इनमें से आप किसी भी बीच पे होटल ले सकते हो। और अगर आपको थोड़े सस्ते होटल चाहिए तो बागा और कैलंगुट बीच पे आपको ज्यादा अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे। लेकिन हमारी आपको यही एडवाइस रहेगी कि आप लोग होटल ऑनलाइन पहले से ही बुक करके आना, क्योंकि पीक सीजन में गोवा ऑलमोस्ट पैक्ड होता है और यहाँ पे आप आओगे तो होटल ढूंढने में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। अगर बात करें प्राइसेस की तो होटल जो है गोवा में वो 1000 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाते हैं। आपको 1000, 2000, 3000 आप अपने बजट के अकॉर्डिंग जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जैसे कि मेक माई ट्रिप, गोआईबीबो, ओयो, तो आप इन प्लेटफॉर्म पर जाके अपना होटल बुक कर सकते हो। और गाइज, यहाँ पे मेरा एक सजेशन है कि कोशिश ये करना कि जो होटल है ना वो आप बीच के पास लेना, क्योंकि जब आप सुबह सुबह उठोगे तो आप लोग सनराइज देखने के लिए भी बीच पे जा सकते हो। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। और हमने जो होटल लिया था वो कैंडलिंग बीच पे लिया था और काफ़ी बढ़िया होटल था हमारा और बिल्कुल ही नियर बाय बीच था। तो हम लोग मॉर्निंग में जल्दी उठ के और सनराइज के लिए हम लोग बीच पे चले जाते थे, तो काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है अगर आप बीच के पास में होटल लेते हो। और अगर आप लोग सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो गोवा में बहुत सारे ऑप्शंस हैं हॉस्टल के, वूपर्स है, हॉस्टलर है, तो आप यहाँ पे भी बुकिंग करा सकते हो। और आपको जनरली अगर आप booking.com या मेक माई ट्रिप पे जाके सर्च करते हो तो आपको 500 रुपये से 1000 रुपये के बीच पे काफ़ी सारे हॉस्टल मिल जाएंगे। तो आप लोग सोलो भी गोवा ट्रैवल कर सकते हो। तो गाइस, अब बात कर लेते हैं कि जब आप फर्स्ट डे गोवा पहुंचोगे तो आप कौन कौन सी प्लेसेस एक्सप्लोर कर सकते हो और आपकी जो है प्रॉपर डे वाइज आइटनरी क्या होनी चाहिए। तो गाइस, डे वन में जब आप होटल अपने पहुंचोगे तो आप नहा धोकर फ्रेश हो जाओ। और गाइस, हमने जो होटल लिया था वो कैंडलिंग बीच पे लिया था, तो सबसे पहले आप लोग कैंडलिंग बीच जा सकते हो। ये बीच काफ़ी ब्यूटीफुल बीच है गोवा का और बहुत ही ज़्यादा फेमस है और काफ़ी नीट एंड क्लीन है, तो यहाँ पे आप लोग विजिट कर सकते हो। और हम लोगों ने यहाँ पे 2-3 घंटे स्पेंड किए और यहाँ पे काफ़ी सारे बीच शेक्स हैं, तो वहाँ से आप लोग अपना खा पी सकते हो, ड्रिंक्स वगैरह ले सकते हो। और कैंडलिंग बीच को एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग गए 4 किलोमीटर दूर, कैंडलिंग बीच के जस्ट बगल में है कैलंगुट बीच, और हमने वो एक्सप्लोर किया। और जस्ट कैलंगुट बीच से 2 किलोमीटर दूर है बागा बीच, जो गोवा का मतलब आप मान के चलो सबसे ज़्यादा फेमस बीच है, दैट इज़ बागा बीच। तो फिर हमने वो एक्सप्लोर किया। और दोनों ही जो बीचेस हैं कलंगुट बीच और बागा बीच, मोस्टली आपको ओवरक्राउडेड मिलेंगे क्योंकि मोस्टली जो पब्लिक होती है वो सबसे ज़्यादा फेमस है, तो ज़्यादातर लोग वहीं जाते हैं। और यहाँ पे खाने पीने के भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। और गाइज, इन तीनों ही बीच पे वाटर एक्टिविटीज़ कर सकते हो, बट आपका ये फर्स्ट डे है और हमारा भी फर्स्ट डे था, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि हम लोग ट्रैवलिंग से ऑलरेडी थके हुए होते हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप चिल करो, रेस्ट करो और घूमो फिरो। हमारा जो सनसेट था वो हमने अपना बागा बीच पे स्पेंड किया, और सनसेट के बाद फिर हम लोग गए टीटोज लेन। और गाइज, टीटोज लेन गोवा की वो लेन है जहाँ पे बहुत सारे क्लब्स हैं और आप यहाँ जाके पार्टी वगैरह कर सकते हो। टीटोज जो लेन है वो यहाँ का जो फेमस क्लब है टीटोज, उसके नाम पे पड़ा है,
आप यहाँ भी जा सकते हो और बहुत ही बढ़िया क्राउड होता है और बहुत ही अच्छा इनका म्यूज़िक होता है और काफ़ी मतलब रिनाउंड जो है यहाँ पे डीजेज आते हैं। तो आप लोग टीटोज क्लब में भी जा सकते हो, या अगर आप लोग पैसा खर्च नहीं करना चाहते या फिर आप क्लब्स में जाना नहीं चाहते हो तो कैलंगुट और बागा बीच जो है वो दोनों फेमस है अपनी नाइट लाइफ के लिए। और यहाँ पे आपको बहुत सारे जो है बीच शैक्स मिल जाएंगे जहाँ पे आप जाके पार्टी वार्टी कर सकते हो और चिल कर सकते हो। तो गाइस डे वन में आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो कैंडलिम बीच, कैलंगुट बीच, बागा बीच, और शाम को आप लोग पार्टी कर सकते हो टीटोज लेन में, या फिर आप लोग नाइट लाइफ इंजॉय कर सकते हो बागा बीच और कैलंगुट बीच की। तो अब बात कर लेते हैं डे टू में आप लोग क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो। तो गाइस ऑन डे टू आप लोग नहा धो के फ्रेश होके आप सबसे पहले जा सकते हो छपोड़ा फोर्ट। इस फोर्ट पे गाइज ज़रूर जाना क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी मूवी की शूटिंग हुई है, जैसे कि दिल चाहता है जो आपको अगर सीन याद हो तो वो यहीं पर ही शूट हुआ था। और यहाँ से बहुत ही अच्छा वेगेटर बीच का व्यू मिलता है। और मॉर्निंग में मैं जाने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गाइज अगर आप आफ्टरनून में जाते हो तो बहुत गंदी धूप हो जाती है, इसलिए या तो आप यहाँ पर मॉर्निंग में जाओ या फिर आप इसे इवनिंग में जाओ। और गाइज छपोड़ा फोर्ट के बाद फिर हम लोग गए थे अंजुना बीच, जो कि मतलब काफ़ी थोड़ा यूनिक बीच है, रॉक टाइप का ये आपको बीच दिखेगा। और यहाँ पे आप लोग भी वाटर एक्टिविटीज़ कर सकते हो और ये थोड़ा लेस क्राउडेड बीच है एज़ कम्पेयर टू कैलंगुट एंड बागा बीच। तो अगर आप चाहो तो आप यहाँ पर अपनी सारी वाटर एक्टिविटीज़ प्लान कर सकते हो, क्योंकि बागा पे और कैलंगुट पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा रश होता है, तो मे बी हो सकता है कि वो आपको कम टाइम दे एज़ कम्पेयर टू अंजुना बीच। यहाँ पर आप लोग आराम से अपनी वाटर एक्टिविटीज़ कर सकते हो। और अंजुना बीच से थोड़ी ही दूरी पर है वेगेटर बीच, शाम को आप लोग सनसेट इंजॉय कर सकते हो वेगेटर बीच पे। ये बीच भी गाइस काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है और काफ़ी इसका एक वाइड पर्सपेक्टिव है, तो आप लोग इजीली अगर कपल में हो या फिर आप लोग फोटोज़ का आपको शौक़ है तो आप यहाँ पर अच्छी अच्छी फोटोज़ एंड सेल्फीज़ ले सकते हो। वेगेटर मेरा वन ऑफ द फेवरेट बीच है इन नॉर्थ गोवा। एंड गाइस वेगेटर बीच में सनसेट इंजॉय करने के बाद आप जा सकते हो यहाँ का फेमस क्लब में जिसका नाम है लव पैशन एंड कर्मा, दैट इज नोन एज LPK। तो आप लोग यहाँ पे जा सकते हो और 1500 से 2000 रुपए की यहाँ की एंट्री होती है। और यहाँ का जो म्यूजिक होता है ना गाइस वो दी बेस्ट होता है, मतलब गोवा का सबसे बेस्ट म्यूजिक जो मुझे लगा है वो LPK का लगा है। और बहुत ही बढ़िया क्राउड आता है, तो अगर आप कपल में हो स्पेशली तो मैं आपको बोलूँगा कि यहाँ पर आप जाके इंजॉय कर सकते हो। और अगर आपको क्लब्स में नहीं जाना तो आप किसी भी बीच पे जाके नाइट लाइफ इंजॉय कर सकते हो, वहाँ पे घूम सकते हो, या फिर अंजुना बीच के पास में फ्ली मार्केट है आप लोग वहाँ जा सकते हो, और गोवा में काफ़ी सारी मार्केट है बीच के आसपास तो आप लोग वहाँ पे शॉपिंग वगैरह कर सकते हो। तो डे टू में आप जा सकते हो गाइस मॉर्निंग में छपोड़ा फोर्ट, उसके बाद आप जा सकते हो अंजुना बीच और वहीं पर आप अपनी वाटर एक्टिविटीज़ कर सकते हो, और अंजुना बीच के बाद आप जा सकते हो वेगेटर बीच, एंड वेगेटर बीच के बाद आप लोग LPK या फिर थोड़ी बहुत नाइट लाइफ आप लोग इंजॉय कर सकते हो। तो गाइज अब बात कर लेते हैं कि जो आप वाटर एक्टिविटीज़ करोगे उनके क्या क्या प्राइजेज हैं और कौन कौन सी आप लोग वाटर एक्टिविटीज़ कर सकते हो। तो गोवा में आप लोग कर सकते हो बम्पर राइड, जेट स्कीइंग, बनाना राइड और पैरासेलिंग। और गाइज ये इन चारों राइड्स का आप पैकेज ले सकते हो जो कि पड़ता है आपको 1500 रुपये पर पर्सन। आप 1500 रुपये में ये सारी राइड कर सकते हो एक पैकेज के थ्रू। और अगर आप फर्स्ट टाइम गोवा आ रहे हो तो मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि यार कर लेना, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। सो गाइज अब बात कर लेते हैं डे थ्री की। तो डे थ्री में आप सबसे पहले जा सकते हो अगुवाड़ा फोर्ट। ये काफ़ी पुराना फोर्ट है नॉर्थ गोवा का और इसको पोर्टुगीज़ ने बनवाया था। और यहाँ से जो व्यूज़ आते हैं वो काफ़ी अमेजिंग व्यूज़ आते हैं, तो यहाँ पर आप लोग विज़िट कर सकते हो अपने थर्ड डे में। मैं आपको दोबारा यही एडवाइस करूँगा कि आप ट्राई करना कि मॉर्निंग में 10 से 11 के बीच में आप चले जाना, क्योंकि आफ्टरनून में जाओगे तो काफ़ी ज़्यादा धूप होती है, या फिर आप इवनिंग में भी जा सकते हो। लेकिन मैं आपको एडवाइस करूँगा कि जब आप गोवा में हो तो इवनिंग जो है वो आप बीच पे ही अपनी स्पेंड करो, क्योंकि सनसेट इवनिंग में काफ़ी बढ़िया लगता है। तो अगुवाड़ा फोर्ट एक्सप्लोर करने के बाद आप जा सकते हो डॉल्फिन व्यू पॉइंट। तो गाइज यहाँ पे क्या होता है कि आपको बोट में बैठाकर आपको जो है ओशियन के अंदर तक ले जाते हैं और आपको काफ़ी सारे व्यूज़
आप यहाँ पे देख सकते हो। और मेन जो उसका अट्रैक्शन है वो ये है कि आपको बहुत सारी आपको डॉल्फिन्स दिखती है, तो अगर आप फैमिली के साथ हो और बच्चे वगैरह हैं तो इस पॉइंट पे आप लोग घूमने जा सकते हो। और हम लोग भी गए थे तो एक अलग ही एक्सपीरियंस था, और जो टिकट प्राइस वगैरह होता है वो भी 100-150 से के आसपास होता है, तो आप लोग घूम सकते हो और एक नया एक्सपीरियंस आप लोग ले सकते हो। और गाइज, डॉल्फिन व्यू पॉइंट एक्सप्लोर करने के बाद आप जा सकते हो जो मेरा मतलब वन ऑफ द फेवरेट बीच है, दैट इज सिंक्रीम बीच। और सिंक्रीम बीच क्या है, जो गोवा का जो मतलब दी बेस्ट होटल है, ताज होटल, उसके जस्ट पीछे है और बहुत ही प्यारा बीच है और काफ़ी अच्छी इसकी शेप है और जो लैंडस्केप आता है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल आता है। तो आप लोग इवनिंग में सनसेट यहाँ पर इंजॉय कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्या है कि थोड़े खाने पीने के ऑप्शंस कम हैं, तो ऑलरेडी आप लोग यहाँ पे लंच वंच करके जाना तो काफ़ी मतलब आप लोग फिर इंजॉय कर सकते हो बेफिक्र होके। और गाइज, सिंक्रीम बीच एक्सप्लोर करने के बाद आप लोग जा सकते हो मॉर्जिम बीच या फिर आरंबोल बीच। ये बिल्कुल आपको नॉर्थ गोवा के बिल्कुल नॉर्थ साइड में मिलेगा, जो कि अराउंड 20-25 किलोमीटर दूर है कैलंगुट और बागा बीच से। तो ये ऑप्शनल है, आप अगर चाहो तो सनसेट आप सिंक्रीम पे ही इंजॉय कर सकते हो, लेकिन हम लोग तो मॉर्जिम बीच पे गए थे जो कि मतलब काफ़ी ब्यूटीफुल बीच है और यहाँ पे हम लोगों ने सनसेट को इंजॉय किया था। तो ये टोटली डिपेंड करता है आप पे कि अगर आप लोग थक गए हो, टायर्ड हो, तो आप लोग सिंक्रीम बीच पे ही इंजॉय कर सकते हो, नहीं तो आप लोग फिर मॉर्जिम जा सकते हो। और मॉर्जिम बीच के पास में ही 2-3 बीच और हैं, जैसे कि अश्विम बीच और आरंबोल बीच, तो अगर आप चाहो तो ये सारे बीचेस भी आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो। सो गाइज, इस तरीके से आप लोग अपना डे 3 एक्सप्लोर कर सकते हो। सबसे पहले मॉर्निंग में जाओ अगोड़ा फोर्ट, फिर उसके बाद जाओ डॉल्फिन व्यू पॉइंट, और फिर सिंक्रीम बीच इंजॉय करने के बाद आप लोग मॉर्जिम या फिर आरंबोल बीच जा सकते हो। सो गाइज, ये थी 3 days और 2 nights की आइटनरी। अगर आप लोग सिर्फ 3 दिनों के लिए गोवा आ रहे हो तो आप इस आइटनरी को फॉलो करके 3 दिन के लिए गोवा एक्सप्लोर कर सकते हो। लेकिन गाइज, अगर आप लोग मोर देन 3 days के लिए आ रहे हो तो day 4 में आप लोग जा सकते हो ब्यूटीफुल ओल्ड गोवा। और ओल्ड गोवा जो है वो हार्डली 12-15 किलोमीटर दूरी पर है, तो आप इजिली 30 minutes में स्कूटी से पहुंच जाएंगे। सो गाइज, ओल्ड गोवा में काफ़ी सारे चर्चेस हैं, तो आप लोग यहाँ भी विजिट कर सकते हो। और ओल्ड गोवा के जो मोस्ट फेमस और जो मतलब काफ़ी ब्यूटीफुल चर्चेस हैं, उनका नाम है द बेसिलिसा ऑफ बॉम जीसस, एंड जो सेकंड वन है वो है सा कैथेड्रल। और काफ़ी मतलब बड़े चर्चेस हैं इंडिया के, और इनका जो इंटीरियर है वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और ओल्ड गोवा में चर्चेस में विजिट करने के बाद आप लोग जा सकते हो गोवा की कैपिटल पंजिम में। पंजिम जो है वो फेमस है अपने क्रूज कैसीनोस के लिए, और यहाँ पे आपको काफी सारे क्रूज कैसीनोस देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि बिग डैडी, डेल्टन रॉयल, मैजेस्टिक प्राइड्स। तो इन कैसीनोस को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पे एक फिक्स एंट्री टिकट्स होती है जिसमें आपको बहुत सारी चिप्स मिलती हैं और आप लोग यहाँ पे गेम्स वगैरह खेल सकते हो। और यहाँ पे काफी सारे शोज होते हैं और डिनर वगैरह होता है, लंच वगैरह होता है, तो यहाँ पर आप लोग मील इंजॉय कर सकते हो और शोज को इंजॉय कर सकते हो। तो काफ़ी एक अच्छा पैकेज होता है एक पूरे दिन को इंजॉय करने के लिए। और अगर आप लोग कैसीनो भी देखना चाहते हो तो पंजिम जो है वो आपके लिए बेस्ट प्लेस होगी। तो गाइज, आप अपना जो day 4 है वो इस तरीके से प्लान कर सकते हो। मॉर्निंग में आप लोग चर्च में विजिट कर सकते हो और फिर उसके बाद आप लोग कैसीनो में अपना एंजॉय कर सकते हो। तो गाइस, अब बात कर लेते हैं कि अगर आप लोग 5 दिन के लिए गोवा आ रहे हो तो आप 5th day में क्या कर सकते हो। तो नॉर्थ गोवा से अराउंड 55 किलोमीटर दूर गोवा का जो है फेमस है दूध सागर वाटरफॉल, आप लोग यहाँ विजिट कर सकते हो। और गाइस, ट्रस्ट मी, काफी ज्यादा ब्यूटीफुल वाटरफॉल है और आप 1-1.5 घंटे में यहाँ पहुंच जाओगे। और यहाँ पे जो गाइज बहुत सारी जो है मूवी की शूटिंग हुई थी, और हम सब की जो फेवरेट मूवी है चेन्नई एक्सप्रेस, वो भी यहाँ पे शूट हुई थी। तो 5th day में आप लोग दूध सागर वाटरफॉल एक्सप्लोर कर सकते हो। तो इस तरीके से आप लोग अपना गोवा का ट्रिप प्लान कर सकते हो। 3 दिन में आप लोग नॉर्थ गोवा एक्सप्लोर कर लोगे, एंड 4th day आप लोग ओल्ड गोवा और पंजिम एक्सप्लोर कर सकते हो, एंड 5th day आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो दूध सागर वाटरफॉल। अब कुछ लोगों के मन में डाउट आएगा कि यार हम लोग ये भी तो कर सकते हैं कि 3 दिन हम लोग नॉर्थ गोवा घूम लें, बाकी 2-3 दिन हम लोग साउथ गोवा के लिए रख लें। तो गाइज, एक्चुअली
मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आप साउथ गोवा जाओगे तो वहां पर भी आप बीचेस देखोगे, और आपने ऑलरेडी नॉर्थ गोवा में इतने सारे बीचेस एक्सप्लोर कर लिए हैं, तो आपका जो डे होगा ना वो बहुत ज़्यादा मोनोटोनस हो जाएगा और थोड़ा आई थिंक बोरिंग भी हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि इस तरीके से अगर आप प्लान करते हो तो आपकी आइटनरी में बीचेस भी होंगे, चर्चेस भी होंगे, क्लब्स भी होंगे, कैसीनोज भी होंगे, और आपका वाटरफॉल भी होगा। तो आपका जो रोज का दिन जो होगा ना वो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होगा और आप लोग मतलब बढ़िया तरीके से एंजॉय कर सकते हो। अगर बात करें फूड ऑप्शन की, तो गोवा में वेज, नॉन वेज एंड सी फूड अवेलेबल है। आप गोवा में कहीं से भी जाके खा सकते हो, लेकिन अगर आप स्पेशली दिल्ली एनसीआर से आ रहे हो या नॉर्थ इंडिया से आ रहे हो, तो हम लोगों ने बहुत जगह खाया था बट हमें वो वाला टेस्ट नहीं मिला जो हमारे नॉर्थ इंडिया का और दिल्ली एनसीआर का टेस्ट है। लेकिन फॉर्चुनेटली हमें एक वहाँ पे रेस्टोरेंट मिल गया था जो बिल्कुल ही ऑथेंटिक खाना खिलाते हैं, जस्ट अपने नॉर्थ इंडियन स्टाइल, और वहाँ पे आप खाओगे तो ऐसा लगेगा कि दिल्ली में खा रहे हो। तो ये कान्हा के नाम से है वहाँ पे रेस्टोरेंट, और ये आपका बागा बीच के आसपास पड़ता है और जस्ट ऑन रोड ही है, मतलब मेन रोड ही आपको पड़ेगा। तो आप लोग यहाँ पे जाके अपना फूड इंजॉय कर सकते हो। मेरा तो पर्सनल ये फेवरेट है, मैं जितने दिन भी वहाँ रहा मैंने यहीं पर ही अपना लंच और डिनर किया। और अगर बात करें बेस्ट टाइम की कि गोवा जाने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होगा, तो गाइज वैसे तो देखो जो बेस्ट टाइम है वो है अक्टूबर से लेके मार्च तक। आप कभी भी जाओ आपको जो वेदर है वो प्लेजेंट रहेगा, और अप्रैल से लेके जून तक मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि गोवा में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है और बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, और जो धूप होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। तो इसलिए मैं अप्रैल से जून आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा, और जुलाई से लेके सितंबर तक तो काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल वेदर होता है, तो इस टाइम भी आप अगर नहीं जाओ तो मतलब सही रहेगा। और अगर आप लोग अपना ट्रिप बजट में करना चाहते हो, तो जैसे ही सीजन स्टार्ट होता है जो कि अक्टूबर में होता है, तो आप अक्टूबर में जाओगे तो आपको रेट्स थोड़े से नॉमिनल मिलेंगे, और अगर आप मार्च में जाते हो तो आपको थोड़े रेट्स थोड़े कम मिलेंगे। लेकिन अगर आप नवंबर और दिसंबर जाते हो तो काफ़ी पीक सीजन होता है गोवा का, और काफ़ी कॉस्टली जो है वो ट्रिप पड़ता है। तो मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि आप इन मंथ में अवॉइड करें, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रश हो जाता है और आपको जो होटल्स वगैरह हैं वो काफ़ी मतलब कॉस्टली पड़ेंगे। तो अब बात कर लेते हैं हमारे लास्ट पॉइंट पे कि भैया गोवा जाएंगे तो खर्चा कितना होगा। तो गाइज खर्चा तो गोवा में बहुत होता है, स्पेशली अगर आप हमारी तरह दिल्ली एनसीआर से या फिर किसी दूर के स्टेट से आ रहे हैं जहाँ से आपको फ्लाइट में जाना पड़ता है, तो कम से कम 10 से 15 हज़ार के आसपास तो आपका फ्लाइट में ही चला जाता है। तो इसलिए गोवा थोड़ा सा मतलब कॉस्टली पड़ता है। अगर बात करें होटल्स की, तो एवरेज हम 2000 मान के चलते हैं, तो 2000 अगर आप 5 दिन के लिए लेते हो 10000 आपका होटल का खर्चा आएगा, और अगर आप स्कूटी रेंट करते हो 400 रुपए के हिसाब से 5 दिन के लिए, तो 2000 रुपए जो है वो आपका स्कूटी का कॉस्ट आ जाएगा, और आप मान के चलो 500-600 के आसपास आप पेट्रोल मान के चलो, और खाने का गोवा थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा आपको, तो 800-900 रुपए आप दो जनों का खाना लेके चलो, 5 दिन का हो गया ये 4 से 5 हज़ार रुपये खाने का। और गोवा में अगर आप लोग वाटर एक्टिविटीज़ भी करते हो तो वो आप 1500 रुपये पर हेड के हिसाब से आप 3000 रुपये आप मान के चलो दो लोगों का। तो अगर हम इसको टोटल करें तो टोटल आपका 20000 रुपये 5 दिन के लिए खर्चा आएगा, अगर आप लोग दो जने अगर आप गोवा आ रहे हो, यानी कि 10000 पर हेड। तो रफली आइडिया लें तो आपका 2000 रुपये का खर्चा है पर डे के हिसाब से। तो अगर आप लोग 3 दिन के लिए आ रहे हो तो आपका 6000 रुपये खर्चा आएगा पर पर्सन, और अगर आप 5 दिन के लिए आ रहे हो तो आपका 10000 रुपये आएगा। और इसमें गाइज मैंने कोई भी फ्लाइट का खर्चा नहीं जोड़ा है, क्योंकि हर लोग अलग अलग जगह से आ रहे हैं और अलग अलग फ्लाइट लेके आएंगे, और अगर आप बस से आ रहे हो तो आप लोग बस का अपना एड ऑन इसमें कर सकते हो। आई गेस आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिल गई हो। कोशिश तो हम लोगों ने काफ़ी की है कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन वीडियो के थ्रू दे दी जाए, लेकिन अगर आपके मन में कुछ भी डाउट हो, कुछ भी, आप बेहिचक होके हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, तो आप लोग DM करके भी पूछ सकते हो। और गाइज अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हम आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय। Everything just feels like a test that I fail so depressed when I can't seem to get